आइटम्स क्या क्या है? आज मैं आपको ऐसे लाजवाब साइट के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि है www.lotus365.com, जहाँ पे आप अपना क्रिकेट नॉलेज यूज करके अच्छा खासा इनाम जीत सकते हैं। तो आपको बताना होता है कि क्रिकेट मैच कौन सा टीम अच्छा खेलेगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे गेम्स हैं, यहाँ पे 200 प्लस गेम्स हैं, तो आप घर बैठे बैठे बहुत सारे गेम्स का मजा ले सकते हैं, यानी कि गोवा का मजा इनके साइट पे। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे गेम्स हैं, लेकिन मैं जो खेलती हूँ वो है क्रिकेट वाला, तो इसमें बस मैं अपना क्रिकेट नॉलेज यूज करके बताती हूँ कि कौन टीम अच्छा खेलेगा। लोटस 365 एक ट्रस्टेड और सेफ ब्रांड है, और इनके ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला, काजल अग्रवाल और कीर्ति करवंदा। तो आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जा सकते हैं जो कि है @lotus365world। आप हैरान हो जाओगे कि इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनका साइट को प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो अवार्ड और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो मनी जीतोगे वो आप 20 मिनट्स के अंदर विदड्रॉ कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। अगर आप अभी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा 365 का बोनस, और पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 5000 का बोनस। अभी रजिस्टर करिए www.lotus365.com पे, और लिंक मैंने नीचे कमेंट पे पिन कर दिया है, सो चेक इट आउट। ये आ गया हमारा जंगल सफारी। चलो क्या क्या जानवर देखने को मिलेगा आज गाइस, देखते हैं कैसे उठेगा। चलो अब गाड़ी हिल जाता है ना, तो बहुत डर लग रहा है, तेरा दिल में डर डर जैसा लग रहा है। আর্লি মর্নিং বেশি ভাল। মানে বহুত গাড়ি সোমাই গল তো এতিয়া এতিয়া ওচৰত থকাবো অলপ ভয় দূৰলৈ গুচি যায়। মানে একেবাৰে আৰ্লি 7টা বজাত এনে দেখা পাব বাৰু। এসে কিয়া কিয়া দেখনে কো মিলেগা, এসে রাইনো সাম্পার এসে বাফেলো এলিফ্যান্ট। পৌঁছ গিয়া হলো অন্দর মে। ওই এই পুরো জঙ্গল কা না, सुंदर है ना, ये झील अलग ही है ऐसा के बनाने बोलो कुछ। तो आज हम जा रहे हैं काजीरंगा, और आती हो ना जंगली भैंस से, जंगली भैंस गेंडा और उसका बच्चा। ओह माय गॉड गेंडा, कहीं हम लोग को राइनो दिखाई मिला है, आप भी देखिए। वाह, कैमरा से इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग सामने में है। आया ना प्यारा ना बच्चा के साथ, कैमरा में इतना दिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आंख से देख रहा है ना बहुत पास है। हाँ। ओ, हिरन सांबर, हिरन देखने को मिला है, इतना बड़ा है। तो वहाँ में नदी का उस पर पूरा हिरन का झुंड है, देखिए देखा राइनो इतना पास में था, और वो रोड क्रॉस करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी सब जमा के उसको जाने ही नहीं मिला। वो वेट कर रहा था। हाँ, वो वेट कर रहा था, आदमी लोग उसका वेट कर रहे थे। ओ दादा दादा, रुको रुको रुको, हाथी 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 हाथी, ओ माय गॉड बॉस बॉस, ओ माय गॉड। हाँ रुको, ये रुको, मां बाप बेटा इतना पास में, घास को धो के खाते हैं। वाह, बच्चे इतना प्यारे, बाप रे धोने लगे ना, कपड़ा धो रहे जैसा। जंगल का बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं अभी, और इतना डर लगे था वो अंदर में, अंदर में उधर लाइट ही नहीं, अंधेरा है, छाया ही छाया, और ठंडा है ना बहुत अंदर। आए आए आए, कुछ क्या कर रहे तुम लोग,
झगड़ा मत कर। ऐसे हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं, यहाँ पे कार्बी फूड है ना। आज बर्थडे का स्पेशल लंच होने वाला है, हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पे कोई है ही नहीं। हमें लगा बंद हो गया है, बट पूछा तो बताया कि सब कुछ मिलेगा आपको बैम्बू के अंदर कुक करने वाला। OMG, तो आज बर्थडे तो ऑब्वियसली स्पेशल लंच बनता है एंड यहाँ बैठ के खाने में इतना मजा आएगा। राहुल अच्छा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। आया देखो कौन धक्का मारे हमको, देखो वाह यहाँ पे हम लोग बैठ के खाएगा। वाओ राहुल इतना अच्छा है, मजा है ना। हाँ नॉर्मल रेस्टोरेंट में तो खा ही सकता है ना बाद में, नॉर्मल रेस्टोरेंट में तो कितना ही खाएगा। यहाँ पे बैठ के खाना इज डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर है राहुल और बहुत हवा हवा ही। ओके चलो खाना देखते हैं कैसा है ना। हाँ चलिए खाना देखते हैं, लेकिन जगह तो बहुत सुंदर है, बहुत और बहुत ही अंदर है, तो अगर आपको आना है तो गूगल मैप करके आना पड़ेगा। रास्ता भी थोड़ा खराब है थोड़ा, इसलिए नहीं आता हुआ तो है। रास्ता थोड़ा नहीं बहुत खराब है, बाइक से तो बहुत तकलीफ है। लेकिन चले गए जो दूसरा वाला है वो भी तो इतना चलता है ना। बहुत भूख लग रहा है। गर्म दिन में सोचो। सो हमारा पोर्क ड्राई फ्राई आ गया है एंड हमें दिया गया है ये बैम्बू का छोटा छोटा ग्लासेस और राइस बियर ना। ये कार्बी का राइस बियर होता है गाइस, हम लोग ट्राई करके देखते हैं कैसा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अनु। पोर्क ड्राई फ्राई नाइस एपेटाइजर। तो ये आ गया है हमारा पोर्क ऑन स्टिक, पोर्क रोस्टेड पोर्क है, मतलब पोर्क को रोस्ट किया। ये कार्बी अंगलोंग कार्बी स्टाइल में किया है। हाँ। और उन लोग ना हमेशा तिल डालते हैं, तिल डाल के थोड़ा नींबू भी डाला है, नींबू प्याज और क्या क्या डाला है, इतना बढ़िया है। और ऐसे एपेटाइजर के लिए आप स्टार्टिंग के लिए अच्छा है बहुत ना, बहुत बढ़िया। अभी तक दो डिश खाया है, दोनों ही बहुत ही टेस्टी लगा है। चुंगा राइस इसको भी निकाल देते। हमारा बेम्बू के अंदर पकने वाला राइस आइटम्स क्या क्या है। और ये जो प्रेजेंटेशन इतना सुंदर है, ये लो मेरी जान, रुक जान। ये चावल देखो, ठीक है? हाँ, दिखा। सुना में बनाने वाला राइस। क्या होने वाला है कि हम दोनों एक साथ खाएंगे, ठीक है? हाँ। तो सबसे पहले मैडम आपके लिए आलू भाजी। चलो। तुमको थोड़ा दूँ आलू भाजी? Obviously। आलू भाजी हो गया। हो गया। नेक्स्ट ये क्या है? ये है कुछ प्रकार का चटनी। क्या चटनी होता है? पता नहीं, टेस्टी तो लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। इधर देखा, ये दाल है ना? वो दाल है। वाओ प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा है। हां ठीक है, ये क्या है रे? ये क्या है? ओ ओ ये कुछ ये ऊपर बॉईल, हां बॉईल सब्जी है। डालो डालो ना, ये अलग है ना, ये ब्लैक दाल है आई गेस। हां ये भी अलग है, इसको मैं डालूं इधर, इसको बेम्बू के अंदर पकाने वाला पोर्क चलो भरती में डालो। हां इसको रख दो, ठीक है? ठीक है। वाह हम लोग मुकबंग करने वाले हैं अभी। हैवी मुकबंग होगा ना, हैवी मुकबंग होगा है ना। सीधा हम उतना टेस्टी है वो, ये बॉयल बॉयल कुछ, हां थोड़ा सा मछली असली डाल के कुछ बनाया है। चलो टेस्ट करेगा ये क्या। और ये अलग है, ये वाला अलग, ग्रीन वाला अलग है, ये वाला अलग है। बहुत ही टेस्टी है, पूरा मही मही कर दिया। चटनी खा के बताना कैसे है? बताना कैसे है, बताना। टोमेटो और ये फर्मेंटेड सोयाबीन है क्या? की फिश है पता नहीं चला, बहुत टेस्टी है।
और ये पोर्क हमारा, ये वाला खाओ ना, बेम्बू शूट के अंदर पकने वाला पोर्क। बेम्बू शूट के अंदर नहीं, बेम्बू बेम्बू के अंदर, बेम्बू के अंदर खाना के साथ खाऊं? खाना के साथ ही खाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, सुपर डुपर सॉफ्ट ना। और ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी तब बोला था, ये तो बहुत टेस्टी है, ये ड्राई ना, थोड़ा दाल चाहिए ना, दाल तो भूल ही जाएगा अभी हम लोग, इसको हम सब खा देगा ये वाला ना, ये बहुत टेस्टी है ना, ये बहुत बहुत टेस्टी है, देखो ना थोड़ा ग्रीन ग्रीन पेस्ट है कुछ ना, खार डाल के बनाए, खार का टेस्ट आ रहा है, चल चलो खाते हैं, चलो हो जाएगा ना। तो अभी होना, ये क्या मिक्स कर रहे हैं, ये जो दो कुत्ता का बच्चा है ना उनके लिए, आप यहाँ पे कुत्ता, हम लोग बहुत सही है, उनको डिस्टर्ब मत करो। कुछ मीट भी तो नहीं बचा है ना, नहीं बचा, सब दे दिया, ठीक है। आ गया कुछ कुछ कुछ, आज सबका पार्टी हो गया, तो आज सबका बर्थडे पार्टी हो गया, खाओ, बहुत ही रिलैक्सिंग है। इस जगह का नाम है मिर्सो हेमताप, तो सच में ना बहुत अच्छा जगह है गाइस, आप लोग भी आ सकते हो अगर आप लोग थोड़ा कार्बी एथनिक फूड, मतलब कि बेम्बू में डाला हुआ, वीडियोस में आप, वीडियो में आपको दिखाई देगा, बेम्बू में डाला हुआ राइस था, राहुल पूरा अभी नींद आ रहा है, हम दोनों खाना खा के इसलिए वो बोल भी नहीं, वो राइस भी है ना थोड़ा, और की देवी मैं तो अपना 800 पर जाते हैं सर, ओके 800 स्पीशीज, 800 हां, बट एंटायर नॉर्थ ईस्ट का कलेक्शन है सर, हां ये तो सर तो ये देखिए बिना मिट्टी के ग्रो कर रहा है ये वाला, तो इसे मिट्टी नहीं चाहिए, ओनली सपोर्ट होने से हो जाता है, तो ये मेच्योर होने से उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, जो फ्लावर है ना ओनली 6-7 आवर्स के लिए ब्लूम होता है, और उसे भी स्पेसिफिक इंसेक्ट्स की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए, और ये है जोकर ऑर्किड, इसका डिफरेंट वाला पैटर्न लिखने में बिल्कुल जोकर की तरह लगता है, इसीलिए से जो दिख रहे हैं ना चेहरा जैसा ही दिख रहे हैं, जोकर हाँ। जैसा दिखो ना, ऑर्किड का डिफरेंट कलर है, देखो ये डिफरेंट वाला पैटर्न लिखने में एक डॉल की तरह लग रहा है, इसका ये कैप्स का स्कर्ट डॉल की तरह है, बिल्कुल कथकली की तो डांसर होती है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है ना, पूरा एग्जैक्ट है, वही तो मंकी फेस ऑर्किड, देखो ना सेंटर वाला पार्ट देखो, ये देखो मंकी फेस ऑर्किड है, ये वाला स्माइल कर रहा है, इसका स्कर्ट थोड़ा येलो है, डांसिंग लेडी ऑर्किड, हाँ स्कर्ट देखिए उसका, स्कर्ट का कलर लाइट है, और कहाँ कहाँ घुमाएगा आज, ये लास्ट था जहाँ पे कुर्सी लगाया उधर बैठना, यहाँ पे कुर्सी नहीं लगाया, जी क्या व्यू है जी, क्या ये पानी गंदा है, पैर घुसा के ऐसा फोटो खींचेगा वहां में, ऐसे बैठ के कोना में रूम्स होता है ना, हाँ इतना सुंदर, अभी हम लोग जा रहे हैं इतना सुंदर जगह से, इट वॉज अ वेरी 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 नाइस स्टे गाइस, रिफ्रेश बटन दब गया है यहाँ पे आके,
तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। हमारा ट्रिप वीडियो भी बहुत लंबा हो गया होगा आई गेस, एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज एन अमेजिंग स्टे। और ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलती हूँ आपको वापस माजुली में, एंड होपफुली सून घर जाऊँगी कुछ दिनों के लिए। तो ठीक है, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।